सरबत खालसा क्या है? देखिए, सरबत खालसा का अर्थ है कि सभी की मंडली, अर्थात जो सभी समुदाय होंगे उनकी एक मंडली होगी। समुदाय के लिए बहुत महत्व के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दा पर चर्चा करने के लिए सिखों यानी कि खालसा के सभी गुटों की एक पारंपरिक सभा को संदर्भित करता है। 18वीं शताब्दी में सिखों की विचार विमर्श करने वाली इस सभा का विचार उत्पन्न हुआ और इसे वर्ष में दो बार बुलाया गया। अभी हाल ही में अमृतपाल सिंह ने अकाल तख्त जत्थेदार से 14 अप्रैल यानी कि बैसाखी दिवस पर सरबत खालसा बुलाने के लिए कहा है। इस कदम से सिख समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि सिख इतिहास में सरबत खालसा को बहुत महत्वपूर्ण समय पर बुलाया गया है, यानी कि जो महत्वपूर्ण समय होता तभी बुलाया जाता था। सरबत खालसा एक लोकतांत्रिक संस्था थी जहां सदस्य निर्णय लेने में भाग ले सकते थे और इस सभा को संकट के समय बुलाया जाता था और सिख समुदाय में सर्वोच्च अधिकार माना जाता था। मुगल काल के दौरान लाहौर के गवर्नर जकारिया खान ने सिखों को उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कार के रूप में नवाब की उपाधि प्रदान की थी। सिखों ने हालांकि इस उपाधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरबत खालसा का आह्वान किया। इसने सरबत खालसा को बुलाने की परंपरा की शुरुआत की। परंपरा सिख मिसलों की अवधि के दौरान जारी रही जो सिख सरदारों के संग थे। हालांकि 1799 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा सिख साम्राज्य की स्थापना के बाद SGPC के गठन के साथ सरबत खालसा जैसी संस्था की आवश्यकता कम हो गई है। आधुनिक समय में सरबत खालसा को 1920 में गुरुद्वारों पर नियंत्रण पर चर्चा करने के लिए और फिर 1984 में स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बुलाया गया था। 1986 में एक पंथिक समिति का गठन किया गया जिसने खालिस्तान का आह्वान किया। शिरोमणि अकाली दल यानी कि बादल के विरोध में सिख निकायों द्वारा 10 नवंबर 2015 को सरबत खालसा को फिर से बुलाया गया था। सभा ने दुनिया भर से सभी या बड़ी संख्या में सिखों को आकर्षित किया और पंजाब की राजनीति पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण था। इसने एक अलग सिख राज, सिख कैदियों की रिहाई की मांग को पुनर्जीवित करने और SGPC के लिए एक समानांतर समिति की स्थापना की मांग को जन्म दिया।